हेलो स्टूट्स यू एक्सेल में ही हम आज नेक्स्ट uh, अपनी क्लास में uh, पढ़ेंगे इंडेक्स एंड मैच ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन होता है इस फंक्शन का यूज़ ये होता है कि अगर आपको कोई टेबल दी हुई है उस टेबल में से हमें एक पर्टिकुलर किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसके लिए जैसे हम लोग वी लुकअप में करते थे तो उस तरह का कुछ फंक्शन ये भी है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या फंक्शन है तो आइए हम लोग इसको देखते हैं हमने एक टेबल बना रखी है ऑलरेडी यहाँ पर ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको यानी कि वीडियो बोर होने लगे और आप कह दें कि ऐसा है कि बस टाइप करेंगे पहले तो हमने टाइप करके रख ली है तो आप लोग बस सीधे देखिए फंक्शन को समझिए यहाँ पर एक टेबल है पहले हम लोग टेबल को समझ लेते हैं टेबल में यहाँ सीरियल नंबर दिया है और ये नेम है नेम में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर मार्क्स हैं लाइक नेम है अमर like, C++ में इनके मार्क्स हैं जावा में मार्क्स हैं एस टी एम मार्क्स हैं ये राज है विक्की है सुबोध है रॉय ज्योति बिंदु विजय राहुल और मनोज इनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये करस्पॉन्डिंगली और ये सब्जेक्ट्स दिए हैं लाइक ज्योति का C++ प्लस प्लस में वहाँ फोर्टी है जावा में 56 है एस में 65 है तो अब हमें कुछ इस तरह से सर्चिंग करनी है अब हमारा ये वाला आप एरिया अगर आप देखेंगे जिस कुछ ऐसा करना है लाइक यहाँ पे मनोज लिखा हुआ है अब देखिए मनोज का यहाँ पर हम अंडरलाइन हाईलाइट कर देते हैं मनोज के मार्क्स सी प्लस प्लस में सिक्सटी सिक्स हैं इससे मैच भी करा लीजिए सिक्सटी सिक्स है जावा में एट्टी एट है जावा में एट्टी एट है एस टी एम एल फोर्टी फोर है एस टी एम एल में फोर्टी फोर है अब यहाँ पर हम चाहते हैं मनोज की जगह सुबोध आ जाए सुबोध के ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन है तो सुबोध में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लिस्ट हमने यहाँ बना रखी है सुबोध पे क्लिक करेंगे सुबोध का देखिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन हमें चाहिए विक्की का ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और विक्की पे क्लिक करेंगे यहाँ पे विक्की देखेंगे यहाँ विक्की ऊपर है टॉप पे क्लिक करें ट्वेंटी टू ट्वेंटी विक्की का मैच भी करा सकते हैं हम लोग कि विक्की का है ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी कुछ ऐसा अगर हमें वर्क करना है तो उसके लिए हमें ये वर्टिकल टेबल चाहिए ये हमारी वर्टिकल टेबल है इसको हम वर्टिकल टेबल कहते हैं और हमें कुछ इस फॉर्म में मार्क्स का स्टेटमेंट चाहिए अब यहाँ मार्क्स भी हो सकता है या कोई सेल परचेज हो सकती है कोई स्टॉक हो सकता है किसी भी तरह का आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो सकता है और आपसे कहा जा सकता है जैसे मान ली सेल परचेज का है तो ये कहा जाता है, तो है विक्की का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में क्या सेल है तो आप वहाँ पर ये भी लगा सकते हैं वहां पर भी ये चीज यूज कर सकते हैं अब इसे करते कैसे हैं आइए हम लोग देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं फ्रेश प्लेस पे करते हैं इसी काम को यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट ठीक है यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट और अब जो हमें सब्जेक्ट्स चाहिए वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे तो इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ये कॉपी पेस्ट कर दिया इसको बोल्ड कर दिया फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं राइट अभी यहाँ पे क्या है कि हमें क्या चाहिए लिस्ट चाहिए तो लिस्ट के लिए आपको फंक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लिस्ट के लिए आप किस में जाएंगे आप जाएंगे डेटा में यहाँ पे डेटा में आप जाएंगे डेटा में आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे ये देखिए डेटा वैलिडेशन है डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करिए यहाँ पर आपके फंक्शन आ जाएगा सेटिंग सेटिंग में अलाउ अलाउ में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को लिस्ट को सिलेक्ट है ये देखिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने लिस्ट को ही सिलेक्ट करा है अब लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद पूछेगा कि सोर्स ये सोर्स में हमें देना है कि लिस्ट हमारी कहाँ है लिस्ट हमारी यहाँ पर है इसकी लिस्ट बनानी है अमर राज इसको आप सेलेक्ट करेंगे यानी कि B7 से B15 तक B7 से B16 तक देखिए यहाँ B7 से B16 सिक्सटीन एप्सलूट रेफरेंस है यहाँ पर और हमने ओके okay कर दिया ठीक है अब यहाँ क्लिक करिए देखिए सारे नाम यहाँ पर आ गए विजय लेकिन अभी मार्क्स नहीं आ रहे लिस्ट में नाम दो मेरे आ गए हैं नाम सेलेक्ट भी हो रहे हैं यहाँ पर हम चाहते हैं राज का सी प्लस तो है यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच बहुत ही फंक्शन है सिंपल है करना कुछ नहीं है आपको इंडेक्स लिखना है आपने इंडेक्स लिखा इंडेक्स में यहाँ पे दे रहा है एरे तो एरे आपका क्या है एरे ये पूरी टेबल है ए सिक्स टू इ 16, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है कॉमा अब आपको जो आ, क्या कहते हैं हमें क्या चाहिए यहाँ राज का सी प्लस प्लस में चाहिए यानी कि राज का सी प्लस प्लस में कितना है ट्वेंटी फोर यानी कि रो नंबर सेकेंड चाहिए रो चाहिए तो अब हम यहाँ रो कैसे मैच कराएंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे, मैच यूज करेंगे क्लिक कर दिया एच इलेवन हो गया कॉमा दे दिया लुकअप एरे ये जो राज है जो ने, ये है ये लिखा कहाँ पर है ये बी सिक्स से बी सिक्सटीन तक ये जो नाम है इसमें से लाए ठीक है कॉमा मैच के लिए हम जीरो लगा देंगे देंगे ब्रैकेट क्लोज कर ठीक है फिर कॉमा अब हमारा क्या मैच कराना है, ये, ये करा है? लुकअप वैल्यू हम हमारा होगा ये जी ट्वेल्व इस वैल्यू को देखे सी प्लस प्लस को देखे ठीक है कॉमा ये जी ट्वेल्व मिलेगा कहां पर हमको यानी कि सी प्लस प्लस मिलेगा कहां पर ए सिक्स से लेकर के ई सिक्स तक ये पूरी हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा, मैच के लिए जीरो लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे एक इसका ब्रैकेट इस मैच का फर्स्ट सेकेंड वाले मैच का और एक इंडेक्स वाले का ब्रैकेट इसलिए यहां पे दो पैंस क्लोज हो रहे हैं और हमने कर दिया इंटर देखिए यहाँ पर आगे ट्वेंटी फोर

क्या करेंगे एप्सलूट जितने भी सेल रेफरेंस है उसको एप्सलूट रिफरेंस कर देंगे फिक्स कर देंगे सिर्फ किसे छोड़ करके ये भी बता देते हैं आपको किसे छोड़ करके सिर्फ G12 को G12 क्योंकि G12 को जब हम क्लिक ड्रैग करें तो G12 G13 हो जाए G14 हो जाए इसलिए G12 को हम छोड़ देंगे अब हम क्लिक करेंगे ठीक है क्लिक एंड ड्रैग करते हैं क्लिक एंड ड्रैग देखिए आ गया ठीक है यानी कि ये वाला हमारा हो गया राज का राज के मार्किंग राज को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे क्लिक करते हैं दूसरे का देखते हैं राहुल का राहुल का कहां पर है फिफ्टी फाइव फोर्टी फोर और ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव फोर्टी फोर और ट्वेंटी फोर और इसकी मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस अगर करते हैं मान ली राहुल को इसमें हंड्रेड मिला हुआ है तो यहाँ पे भी हंड्रेड रिफ्लेक्ट होगा फॉर्मूले का यही एक फ़ायदा होता है कॉपी पेस्ट का नुकसान ये कि एक जहाँ से कॉपी करा है वहाँ कोई चेंजेस करेंगे और जहाँ पर हमने पेस्ट करा है वहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी तो फार्मूले का बहुत अच्छा यूज़ है कि फार्मूला हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम अपने मेन टेबल यानी कि पेरेंट टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो रिफ़्लेक्शन यहाँ पर आ जाता है लाइक राहुल का

इस फो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कॉपी पेस्ट करने के लिए समझने के लिए फिर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा ये इस तरह से काम करता है सबसे पहला काम ये था कि इंडेक्स में सबसे पहले आपको बताना है कि किसका तो पूरी टेबल सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाले रेफरेंस में फिर मैच कराएंगे मैच फंक्शन को लेकर लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी और उसका लुकअप एर ये रहेगा फिर उसके बाद दूसरा मैच फंक्शन और जीरो लगाना मत भूलिएगा एग्जैक्ट मैच के लिए फिर उसको हम एब्सल्यूट कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगे दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑल अबाउट इंडेक्स एंड मैच फंक्शन ओके आई होप आपको समझ में आएगा बाकी और भी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं लिंक्स वगैरह लिंक्स में है और uh, uh, कोई भी कन्फ्यूजन के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं दैट्स इट थैंक यू